एक वन मोर एग्जाम्पल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा टू द रेगुलर एक्सप्रेशन. ये जो ऑटोमेटा हमारा गिवन है उसमें तीन स्टेट्स हैं, ए बी सी, और ए स्टेट ही इनिशियल स्टेट है और ए ही स्टेट हमारा फाइनल स्टेट है. आप देख सकते हैं कि इनकमिंग एज है ए पे और आउटगोइंग एज भी है फाइनल स्टेट ए से. तो हमें इन दोनों चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा. रूल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता. तो हमने एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऐड करके एक नई स्टेट बनाई है, इनिशियल स्टेट, जो कि ए पे जाती है. बाकी हम कंडीशन ऐसे ही रखते हैं, बाकी ट्रांजिशन देयर इज नो चेंज इन द रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन. सो दिस इज वन, दिस इज स्टेट सी विद जीरो ट्रांजिशन एंड देयर इज वन ट्रांजिशन टू ए स्टेट विद वन. नाउ ए स्टेट मेरा फाइनल स्टेट है, इससे आउटगोइंग ट्रांजिशन भी है जो कि अलाउड नहीं है. तो हम एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं न्यू फाइनल स्टेट बना के. स्टेट एलिमिनेशन करते हैं इसका और एक एक करके इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में. सो आप देख सकते हैं कि जो बी बी स्टेट है उससे एक वन पे ट्रांजिशन है सी पे, सी पे एक साइकिल है जीरो की, और देन उसके बाद सी से वन से हम वन ए पे आ रहे हैं. अगर आप सी को रिमूव करेंगे सो इट लुक्स लाइक कि वन जीरो स्टार और वन, वन यहाँ से, जीरो स्टार यहाँ से, और ये वन, ये वाला पार्ट हमारा बी से दिखाया जाएगा. क्योंकि सी स्टेट नहीं रहेगा तो बी से ही हम अब ए का ट्रांजिशन दिखाएंगे. सो लेट्स डू दिस. इनिशियल स्टेट मेरा ये है, इससे एप्सिलॉन ट्रांजिशन, यहाँ पे ए है जहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन है बी स्टेट. अब हमें बी से ए की तरफ ट्रांजिशन दिखाना है. सो दिस बी से ए की तरफ जो ट्रांजिशन है दैट इज वन जीरो स्टार और वन. बी पे ऑलरेडी एक सेल्फ है. सो बी से हमने ये वाला ट्रांजिशन दिखाया, वन जीरो स्टार वन. ए से एप्सिलॉन से हम नए फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम स्टेट नंबर बी को रिलीव करने की या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. सो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि वन ए से जा रहा है बी पे, देन जीरो स्टार बी पे है क्योंकि एक सेल्फ लूप है, एंड देन इसके बाद वन जीरो स्टार वन ए पे जा रहा है. अगर हम बी को रिमूव करेंगे सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए पे ये ट्रांजिशन ऐड हो जाएगी. सो अगर ए पे ये ट्रांजिशन ऐड हो रही है तो ये नया फाइनल, नया इनिशियल स्टेट है एप्सिलॉन से ए, ए पे पहले से जीरो है और ए पे एक और ट्रांजिशन आ गया. सो दैट इज वन जीरो स्टार वन जीरो स्टार एंड वन. इसके बाद ये फाइनल स्टेट पे हमारा जा रहा है. नाउ नेक्स्ट टर्न हमारा रिमूव करना है ए को. अगर हम ए को रिमूव करेंगे सो आप देख सकते हैं कि दो साइकिल्स हैं यहाँ पे ए पे, तो या तो जीरो से आप इसमें क्लोजर करेंगे या फिर वन जीरो स्टार वन से क्लोजर करेंगे. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों का क्लोजर, इसमें बीच में हमने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि ये आइदर और वाली कंडीशन है, मतलब यूनियन वाली कंडीशन होगी यहाँ पे. सो ये इनिशियल स्टेट है एंड दिस इज द फाइनल स्टेट. और जो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन बना, सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस वन जीरो स्टार वन जीरो स्टार वन एंड इट्स क्लोजर. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने इस फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.